बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी झटपट से तैयार होने वाली पालक मेथी आलू की सब्ज़ी। और जिस तरह से मैं अपने घर में बनाती हूं, आज मैं आपको वही रेसिपी दूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पालक लिया है 1 किलो और मेथी लिए मैंने 1 पाव। आप चाहें तो मेथी बराबर की भी ले सकते हैं और इसे कम भी कर सकते हैं। और आलू मैंने लिए हैं, 1 बड़ा आलू लिया है, इसको छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है ताकि जल्दी गल जाते हैं। पालक की हमने डंडियां हटा दी हैं और इनको हमें 2 से 3 पानियों में अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इन पर मिट्टी बहुत लगी होती है, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। इसी तरह से हम मेथी को भी 2 से 3 पानी में धो लेंगे और फिर इसे हम दोनों को कट कर लेंगे। हमें रफली कट करना है। सबसे पहले हम पैन में लेंगे 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, साथ ही हम डालेंगे 3 जवे लहसुन के, जिन्हें मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा। सबसे पहले इन्हें हमें पका लेना है ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। लहसुन को हमें सिर्फ इतना पकाना है कि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना ही पकाना होगा। चंद सेकंड में हो जाता है। अब इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। आलूओं को तकरीबन हम 1 मिनट फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से। पहले फ्राई कर लेना है। 2 मीडियम टमाटर हैं, जिन्हें हमने रफली कट कर लिया है। साथ ही हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून, क्योंकि पालक के अंदर भी नमक होता है, थोड़ा देख के डालना पड़ता है। अगर हमें कम लगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं, मगर शुरू में हमें सिर्फ 1/2 टीस्पून डालना है। अच्छे से इन मसालों को हमें भून लेना है। तकरीबन 1 मिनट करीब हमें इन मसालों को भून लेंगे। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। 1 कप मैंने पानी डाला है। देखिए बॉयल आ गए हैं। कवर करके इसे हम 5 मिनट पकने के लिए रख देंगे आलूओं को। पहले आलूओं को तकरीबन हमने 5 मिनट पका लिया है और देखें पानी भी इसका ड्राई हो गया है और इसमें ऑयल ऊपर आ गया है। अभी ये आलू गले नहीं हैं, क्यों, सिर्फ हमने 5 मिनट पकाए। अब मज़ीद हम इनको पकाएंगे सब्ज़ी के साथ। मेथी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, पालक शामिल कर देंगे। गैस को हमें मीडियम ही रखना है। अभी पालक में काफ़ी पानी होता है, इसी के अंदर आलू भी गल जाएंगे। मज़ीद जो पालक है वो भी हम शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट अभी हम पालक मेथी को आलू के साथ पकाएंगे। 2 मिनट हमने पका लिया है। पालक में से कितना सारा पानी निकला है, इसी पानी के अंदर ये आलू भी अच्छे से गल जाएंगे और हमारी सब्ज़ी भी पक्के तैयार हो जाएगी। अब इसे हम कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए मीडियम गैस के ऊपर पकने देंगे। 5 मिनट करीब हो चुके हैं हमारी सब्ज़ी को पकते हुए और देखें थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है। इस पानी को भी हमें ड्राई करना होगा। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होगा तब तक इसे हम पकाएंगे। और आप ये भी देख सकते हैं कि आलू अच्छे से गल चुका है और सब्ज़ी हमारी तकरीबन पकने ही वाली है। 1 से 2 मिनट हम पकाएंगे और ये तमाम जो उसमें पानी है सब्ज़ी के अंदर, ये तमाम हमें ड्राई कर देना होगा। 1 से 2 मिनट में तमाम पानी ड्राई हो जाएगा। देखिए 1 से 2 मिनट लगे, तमाम पानी जो सब्ज़ी में था वो ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है तमाम। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इस वक्त नमक बिल्कुल परफेक्ट रहा था, मैंने इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाला था और पालक में पहले से ही नमक होता है, तो नमक देख के डालिएगा वरना तेज़ हो जाता है। और ये हमारी पालक मेथी आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है। इसे हम सर्व कर लेते हैं।